शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज शरीफाबाद बाराबंकी में भारत के महान शिक्षाविद दार्शनिक प्रथम उपराष्ट्रपति द्वितीय राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती होती है इस दिन, क्योंकि एक आप आदर्श शिक्षक थे। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन व संचालन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक श्री उमेश कुमार मिश्र व प्रबंधिका श्रीमती अलका मिश्रा ने माँ सरस्वती व सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। बच्चों व विद्यालय प्रबंधन तंत्र द्वारा सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। प्रबंध जी ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए उन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन से प्रेरणा लेने की सलाह दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य शिव कुमार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए सभी को बड़े ही त्याग परिश्रम व प्रसन्नता से पढ़ाने व एक आदर्श अध्यापक बनने की अपील करते हुए सभी का आभार ज्ञापित किया। आप देख रहे हैं ए टू जेड लाइव खबरें, मैं अब्दुल खालिक। इस समय मैं शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज बाराबंकी के प्रबंधक से बात करूंगा कि आज शिक्षक दिवस पे क्या कार्यक्रम हुए हैं। प्रबंधक जी, आज शिक्षक दिवस है, आज शिक्षक दिवस मनाया गया है, क्यों मनाया गया है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती होती है इस दिन। चूँकि एक आप आदर्श शिक्षक थे, आपने ऐसे कार्य किए शिक्षा के क्षेत्र में जिससे आपको भारत रत्न जैसे भारत के सर्वोच्च आभूषण से नवाजा गया। तो शिक्षकों को एक प्रेरणा देने के लिए पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया जाता है कि सभी शिक्षक धैर्यपूर्वक, जैसा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शिक्षण कार्य किए, इसी तरह आप सब भी करिए देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, छात्रों के लिए। इसीलिए प्रत्येक विद्यालय में ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपके विद्यालय में क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं? विद्यालय में प्रबंध समिति द्वारा तथा बच्चों द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया गया। शिक्षकों को उनके कार्य के विषय में बताया गया, उनकी उपयोगिता, वो कैसे आभूषण है इस देश के या बच्चों के लिए, उनकी क्या उपयोगिता है, आप एक बच्चे को एक आदर्श नागरिक कैसे बना सकते हैं, इसके विषय में चर्चा की गई। तथा सभी शिक्षकों से आशा की गई कि आप बच्चों के भविष्य के लिए, जैसे हमारे पूर्व प्रथम उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी ने कार्य किया, आप सभी भी करेंगे।